दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता यूसुफ हारून जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने ये मुद्दा उठाया है, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, मैंने कहा कि जो NCRB के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसके आंकड़ों को देखकर इतनी भयावह स्थिति हो गई है दिल्ली में कि और भी जो बाकी शहर हैं, मुंबई है, बेंगलुरु है, कैलकटा है, चेन्नई है, इन तमाम जगहों से दिल्ली का क्राइम रेट तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? आज औरतें अपने आप को महफूज नहीं महसूस करती हैं। आज माएँ और बाप जो हैं, उनके पेरेंट जो हैं, वो इससे डरे रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया था, कॉलेज गया था, पता नहीं कुछ हो ना जाए उसको। ये डर का माहौल जब होता है तो मैं समझता हूँ कि उस हमारा फ़र्ज़ बनता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें। आज दिल्ली में 13,500 वैकेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस भरी नहीं जाती हैं। ज़्यादातर पुलिसकर्मी VIP सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। जो बीच कॉन्स्टेबल्स का काम हुआ करता था कि जगह जगह जाके, हर गली मोहल्ले में जाके हाल जानना, आप रोज़ तो देख रहे हैं किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से रॉबरी हो रही है। जो अभी एक बुज़ुर्ग को जिनको मारा गया, आपने अभी 2 दिन पहले पढ़ा, जिस तरीके के बलात्कार हो रहे हैं, 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से मोलेस्टेशन बढ़ रहा है, चेन स्नैचिंग की सैकड़ों वारदातें रोज हो रही हैं, तो कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आपके इंडिया एयरलाइंस के, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो राज्यसभा सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ ऐसे अभद्रता की खबर आई है, आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने संजय सिंह जी का पूरा बयान सुना। संजय सिंह जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम इसकी पूरी जानकारी लेकर अगर कोई इसमें कसूरवार होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। DCP नॉर्थ जो है, जिनके अंतर्गत सिविल लाइन्स का ये पूरा एरिया आता है, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं, और ना कंप्लेंट कोई की गई। अब किसी पार्टी को, चूँकि आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो इससे दर्शाती है कि जो अगर कुछ इस तरीके का हुआ होगा, पुलिस में कंप्लेंट होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेता संजय सिंह, जिस तरह कल उन्होंने कहा, आज भी शायद सुबह कहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो सर, ये लगता नहीं है कि अगर राज्यसभा सांसद ही अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की और महिलाओं की हम कैसे बात कर सकते हैं? अब ये तो आरोप है ना, जब तक ये पता ना चल जाए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट कर रहा है कि इस तरह का डेमोंस्ट्रेशन कर दो, इस तरह से ये कर दो। तो सवाल इस बात का है, अगर कुछ इस तरीके का होगा तो उस पर संजय सिंह जी ने कहा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली की राजनीति पर अगर बात कर ली जाती है तो एक तरफ पूरा BJP है और एक तरफ पूरा इंडिया अलायंस है, तो कितना असर इस बार दिल्ली की लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप स्वयं जाकर हर जगह पर देखें इन 7 लोकसभा सीटों पर, तो आपको पता चल जाएगा दिल्ली के लोग परेशान आ चुके हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जिस तरीके से हाल दिल्ली का कर दिया, कैपिटल होने के बावजूद जो राजधानी है दिल्ली की, तो मैं समझता हूँ कि लोग 10 साल में तमाम नारों को भी समझ चुके हैं, तमाम वादों को भी समझ चुके हैं। अब इस बार वो अपना पक्का फैसला करेंगे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, वो इस तरीके से मुद्दे क्रिएट करना चाहता है। 400 पार का आंकड़ा बताया जा रहा है BJP के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है तो कितना सीट है BJP का? देखिए, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने 400 पार ही कहा, कहीं जोश में वो 600 पार कह देते तो पूरा देश अच्छी तरीके से समझ जाता, अब भी समझ रहा। बहुत धन्यवाद सर। ये थे यूसुफ हारून जी, इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमने खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सकते हैं।